हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम चल रहे हैं और बस अब खत्म होने वाले ही हैं। कल मैथ का क्लास 10 का लास्ट पेपर है और इसी के साथ दोस्तों जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बच्चों में बहुत सारे डाउट भी हैं। दो डाउट काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों में। पहला है कि सर अगर हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और दूसरा है कि अगर हमारे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो क्या होगा। दोस्तों तो ये इन दोनों डाउट को दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहला डाउट दोस्तों जो है ये है कि बच्चों का कि सर अगर हम अपने इस जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम चल रहा है अगर इसमें हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पहले से रूल चला आ रहा था वो हर स्टेट बोर्ड में भी ऐसा होता था कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपके कम नंबर आए हैं और इस वजह से आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे और एग्ज़ाम देते थे, तो अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आप जो है नंबर ज़्यादा आते थे तो आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो ज़्यादा नंबर होते वो जुड़ जाते थे और जो पहले रिजल्ट आ चुका है वो हट जाते थे। और अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपके जो रिजल्ट आया हुआ है उससे कम नंबर आते थे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में तो आपको जो रिजल्ट पहले आया हुआ था वो नंबर मान्य होता, यानी अधिक नंबर जुड़ता था, कम नंबर नहीं जुड़ता था, ठीक है। तो ये रूल लगातार था दोस्तों, ठीक है, पिछले के हमेशा हर स्टेट बोर्ड में ऐसे होता था। बट अभी इस बार की अगर बात करें, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम नहीं लिया, रिजल्ट जारी कर दिया और सीबीएसई ने साफ साफ कहा था कि ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है अगर आप हमारे बनाए गए रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, आप सहमत नहीं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो एग्ज़ाम आप देंगे वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, यानी फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, जो भी आपके नंबर आएंगे वो फाइनल होगा। ये सीबीएसई ने इस बार के नोटिफिकेशन में कहा था, यानी सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, यानी फाइनल रिजल्ट आपके यही होगा। तो ये जो है अपडेट सीबीएसई का है, ये सर्कुलर सीबीएसई का आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी डराने वाली हैं, क्योंकि सीबीएसई ने ये इसलिए किया था क्योंकि वो सीबीएसई चाहती थी कि सभी बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ना करें। अगर सीबीएसई सीधा री एग्ज़ाम के लिए बोलते तो सभी बच्चे जो ज़्यादातर बच्चे जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते, तो ऐसे में ये थोड़ा सा टेंशन करने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो सीबीएसई वही फेल आपका जो फाइनल रिजल्ट मानेगी, जो आपका रिजल्ट आया हुआ उसे वो डिक्लेयर नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपको लेकर चलिए, तो इतना तैयार जरूर करना दोस्तों कि आप री इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जो है आप दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उसमें पास होने लायक मार्क्स जरूर लाएँ, क्योंकि सीबीएसई का साफ साफ सर्कुलर है। हालांकि सीबीएसई के सर्कुलर में तो भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब बदल जाए, कब कुछ कभी कुछ और कहती है, कभी कुछ और कहती है, कोई फाइनल सर्कुलर इसका होता नहीं, हमेशा बदलता रहता है। बट आई होप आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आप आराम से और अच्छे से अपने पेपर को लिख रहे हैं और इतना तो आप करके आ रहे हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है, बस अपना 100% दे दीजिए। बट ये हाँ दोस्तों, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कोई मान लेते बच्चा फेल होता है तो उसे फेल माना जाएगा सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों। तो ये प्लीज़ मेक श्योर कि आप इतना अच्छे से एग्जाम दें जिसमें आप फेल होने की नौबत आपको ना आए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में यही आपसे बताना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर हमारे कम नंबर आते हैं तो क्या होगा, तो अगर आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो आपको ही नंबर जुड़ेगा जो कम नंबर है, क्योंकि सीबीएसई ने बस सर्कुलर जारी कर दिया कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जितने पेपर के दे रहे हैं उतने पेपर में जितने आपके नंबर आएंगे वही मान्य होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद।